बस्तर घने जंगलों एवं यहाँ के विश्व प्रसिद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मुड़िया एवं माड़िया जनजातियों का निवास स्थान है। यहाँ का जीवन समृद्ध संस्कृतियों से भरा है। जन्म से लेकर मृत्यु संस्कार तक संस्कृतियों में भिन्नता देखने को मिलती है। इस जंगल में अगर हम प्रवेश करते हैं और यहाँ के माड़िया और मुड़िया आदिवासियों से मिलते हैं तो हम पाते हैं यहाँ नृत्य से शुरुआत। नृत्य के इस नृत्य को जैसे गौर नृत्य के नाम से जाना जाता है, डंडामी माड़ियों द्वारा किया जाता है और यह नृत्य विश्व प्रसिद्ध है। यह विशेष करके अच्छी फसल में यह नृत्य को किया जाता है, बरसात में किया जाता है। लेकिन आज यहाँ पर जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं ये मृतक स्तंभ पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर के जनजाति समुदाय मुड़िया और माड़िया में मृत्यु के बाद सबको भू समाधि दफन देने की परंपरा है। यह समुदाय इस परंपरा को कम खर्चीला और पर्यावरण मृतक स्तंभ हितेशी मानता है। यह परंपरा सैकड़ों साल से चली आ रही है। दक्षिण बस्तर में माड़िया और मुड़िया जनजाति में मृतक स्तंभ बनाने की प्रथा अधिक प्रचलित है। स्थानीय भाषा में इन्हें गुड़ी, याद रखें गुड़ी कहा जाता है। लकड़ी पर उत्कीर्ण कर बनाए गए पुराने माड़िया स्तंभ जगदलपुर के जनजाति संग्रहालय एवं भोपाल में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में देखा जा सकता है, जो आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं। यहाँ पर जो आपका जो ये मृतक स्तंभ दर्शाया गया है, इसमें आप साइड वाले में आप इस मृतक स्तंभ को देखेंगे तो पाएंगे इस माड़िया मृतक स्तंभ में मृतक को घोड़े पर सवार और एक हाथ में तलवार पकड़े दर्शाया गया है। मृतक के ऊपर चंद्र सूर्य उकेरे गए हैं, जो दृश्य में दिख रहा है, जो बस्तर राज दरबार का प्रतीक चिन्ह है। बस्तर के राजा सूर्यवंशी राजपूत थे और उनकी रानी चंद्रवंशी थी, अतः सूर्य और चंद्र इनके संयुक्त प्रतीक है। यह चंद्रवंश की कुलदेवी माणिकेश्वरी और सूर्यवंश की कुलदेवी दंतेश्वरी का भी संयुक्त प्रतीक है। बस्तर क्षेत्र में समस्त अनुष्ठानिक उपयोग की वस्तुओं पर यह प्रतीक चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। आप इस बगल वाले दृश्य में भी देखेंगे तो हाथी पर चढ़ा हुआ एक व्यक्ति नजर आ रहा है। ये बस्तर की परंपरा है और ये मृतक संस्कार या लकड़ी स्तंभ कहा जाता है। मृतक स्तंभ लकड़ी या पत्थर के बनाए जाते हैं। जिस जगह पर सबको भू समाधि दी जाती है वहां मृतक स्तंभ गाड़ा जाता है, जहां ताकि दिवंगत स्वजनों की स्मृति बनी रहे। मृतक स्तंभ लकड़ी या पत्थर के होते हैं। इसमें कलाकृति उकेर कर आकर्षक भी बनाया जाता है, जो स्तंभ में दिख रहा है आपको, जबकि बीमारी या दुर्घटना आदि से मौत के बाद सब जलाने की भी परंपरा है। मृतक स्तंभों का मृतक का संपूर्ण जीवन का वर्णन चित्रों के माध्यम से किया जाता है। जैसे वह क्या करता था, वह उसे क्या पसंद था, उसके पास कितने पशु थे, अपने जीवन में शिकार पे जाता था, घोटुल पे नृत्य करता था, गांव के कार्य में सम्मिलित होता था और जो अपने जीवन में कार्य किए हैं उसे दर्शाया जाता है। और इस मृतक स्तंभ में जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की घटना का उकेरा और चित्रित किया गया है। यहाँ पर दिख रहा है पूरा उकेरा और चित्रित किया गया है। जो भी व्यक्ति का मृतक स्तंभ यह होगा उसके जीवन गाथा है, बोला जाता है ये मृतक स्तंभ, जिसमें पूरा जीवन का वर्णन, जीवनी इसका वर्णन कर दिया जाता है। यही है यहाँ पर मुड़िया आदिवासियों का मृतक स्तंभ बनाने की परंपरा, जो अविस्मरणीय है, जो देखा जा सकता है और वहां पर पहुंचा जा सकता है। संस्कृति की गहनता को हम अनुभव कर सकते हैं। ये बनाते हुए कारीगर जो अक्सर इस कार्यक्रम को समापन करते हैं और बनाते हैं और किसी मृत्यु संस्कार में काम करते हैं। तो ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, आप लोग मेरे वीडियो वॉच करते हो, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।